हाय फ्रेंड, आज बुड्ढा प्लानिटरी गियर वर्क जो मैंने खोला था उसको असेंबली करेंगे। अभी हर एक पार्ट को हम लोग वॉश कर दिया है। प्लानिटरी गियर वर्क का हर एक पार्ट को हम डीजल वॉश किया है। डीजल वॉश करने के बाद उसको कपड़ा से अच्छे से क्लीनिंग करना है और कोई डस्ट भी जाना नहीं चाहिए। ये वही मुर्गेशन जी है, हंस रहे। ये हमारा जो बेरिंग वगैरह आ चुका है, मैंने तो आपको बेरिंग का पार्ट नंबर वगैरह बताया था। ये देखिए, ये भी 3321213 का है। और ये जो बेरिंग है आपको वो भी दिखा देता हूँ, 32213 है। ये सब रोलर टेपर रोलर बेरिंग है। ये टॉप का दोनों है। और ये जो ऑयल सील में दिखा रहा हूँ ये भी टॉप का है, 799510 है। और ये जो बेरिंग दिखा रहा हूँ बॉल बेरिंग है, ये हमारा ड्राइव शाफ्ट के साइड में रहता है। अभी दोनों बेरिंग हम ग्रीसिंग करके टॉप बेरिंग से हम स्टार्ट कर असेंबली करना स्टार्ट करेंगे। अभी ग्रीसिंग हो चुका है बेरिंग को, उसके बाद हम लगा के चेक कर रहे हैं हमारा शाफ्ट को। फिर इसको पलटी यहाँ इसका कवर लगाना है। कवर के ऊपर जो लगाने का है, कवर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑयल सील लगा के कवर के ऊपर लगाने का है। देखिए, अभी मैंने हम ये कवर हम लोग लगा दिया। ये ऑयल सील को मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमको बाद में ये ऑयल सील लगाएंगे, पहले इसका कवर लगा देंगे। क्योंकि बेरिंग बाहर निकलना नहीं चाहिए, बाहर निकल जाएगा तो क्या होता है, उसमें कचरा जाके फंस जाएगा। फिर एक हम सेंटर में एक बूस्ट डालेंगे और वो बूस्ट को डालने के बाद हम लोग फिर और एक टेपर बेरिंग लगाएंगे, टेपर रोलर बेरिंग लगाएंगे। अभी बूस्ट को सेंटर में लेंगे, सेंटर में उसको सेंटर में लो या मौत लो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम एक काम कर रहे बोल के अच्छे तरीके से काम कर करके दे देना है, क्योंकि कोई भी काम को हमको दोबारा नहीं करना है। ये दिमाग में रखना है, कोई भी काम होने दो, वो छोटा काम होने दो, बड़ा काम होने दो, किसको भी दोबारा काम नहीं करना है। अभी ये बेरिंग चेक कर रहे हो वहाँ पे बिठाने के लिए। और इन्होंने ग्रीसिंग इसमें नहीं लगा रहा है, बिना ग्रीसिंग का डाल दिया, बोला कि प्रॉब्लम हो रहा है बोल के। उसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑयल का अंदर रहेगा, इसके लिए वो ग्रीस नहीं डाला। वो जो टॉप का बेरिंग डाला उसमें ग्रीस ऑयल नहीं पहुंचेगा, इसके लिए उसमें ग्रीस डालना बहुत ज़रूरी था। और ये बॉटम साइड का जो बेरिंग है उसमें ग्रीसिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रीस करेगा तो सब अच्छा रहता है। मैंने इनको बोला कि ग्रीस थोड़ा लगा दो, अभी उन्होंने बोला कि ठीक है कि हम लोग बाद में थोड़ा इसको ग्रीसिंग कर देंगे। अभी बेरिंग को अच्छा बैलेंस से ठोकने का है, क्योंकि उसके ऊपर भी थ्रेड है, चेक नट का जो हम लोग खोले थे उसका थ्रेड है। आपको उसको बिठाते टाइम बेरिंग को एक अच्छा से बिठाने का है, क्योंकि थ्रेड हमारा डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज हो गया तो फिर हमारा चेक नट नहीं लगेगा। उसके बाद हम एक वाशर डाल, इसका फर्स्ट वाशर टाइप का आता है वो डाल दिया। इसको सीधा करो। डालने के बाद फिर हम एक लॉक वाशर डालेंगे, लॉक वाशर के बाद चेक नट आएगा। लॉक वाशर डाल दिए हैं, उसके बाद अभी हम उसको डालेंगे चेक नट को। चेक नट को डालो, चेक नट डाल, अभी चेक नट डाल दिया है। चेक नट को हमको टाइट करने का है, फुल टाइट करने का है, क्योंकि उसका प्लेन नहीं होना चाहिए। वो आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा प्लेन नहीं होना चाहिए कि कम, आपका हिसाब से आप प्लेन रखो। मेरे हिसाब से बिना प्ले बिल्कुल प्लेन नहीं रखना चाहिए। अभी हमारा सन गियर के ऊपर प्लानिटरी गियर बैठ रहा है, इसको बिठाते टाइम थोड़ा मिसमैच हुआ, तो इसके लिए उसको अच्छा से बैलेंस से हर एक टीथ को जब भी मैच हो जाएगा वो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। देखिए, हमारा अभी ये सन गियर और प्लानिटरी गियर बैठ गए। अभी हमको रिंग गियर बिठाना है, और थोड़ा सा वो ठोक रहा है, ठोकने का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो ठोक रहा है, क्योंकि हमारा जो सन गियर है वो जब तक उसका टीथ में बराबर नहीं आएगा वो तब तक अच्छे से नहीं जाएगा अंदर। ये अनामन ट्यूब लगा रहे, क्योंकि हम कोई भी गियर बस खोलते हैं उसको प्लानिटरी गियर बस जो है उसमें बहुत जॉइंट है, इसके लिए उसमें हमको एनाबन लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हम असेंबली कर देंगे अच्छा से लेकिन ऑयल लीकेज होना स्टार्ट करेगा, तो ये अच्छा नहीं है।
कोई भी चीज़ का ऑयल लीकेज होता तो उसमें लुब्रिकेंट उसको का लगा दो परसेंटेज कम होने के वजह से आगे, हर एक हाँ गियर आगे दूसरे आगे से और घिस आगे स्टॉक कर के पास, चलता है, हाँ तो उसमें से क्या होता है, हमारा गियर भी ये स्टॉक के पास डैमेज करो। होता है, बेरिंग भी डैमेज होते हैं, हर हर चीज़ में हमको प्रॉब्लम आता है। इसके लिए हाँ ठीक है, छोड़ आपका दो छोड़ दो, आनावंड यूज़ कीजिए। दोनों साइड आनावंड से यूज हम लगाने के बाद फिर हम उसको रिंग गियर को यूज़ कर रहे हैं। गियर थोड़ा मैच रिंग करके। गियर लगाएंगे, रिंग गियर को एक अच्छा से उसका जो बैलेंस में पकड़ के बिठाइए, ऑटोमेटिक चला जाएगा मैच करके। अब देखिए ये ऑटो जा डैमेज चुका है ऑलरेडी। थोड़ा हल्का सा हैम्बर का पीछे का जो लकड़ी का हैंडल है उसे थोड़ा मार दीजिएगा, वो आराम से चला जाएगा। अभी रिंग गियर भी बैठ चुका है। मार दो ना उसमें क्यों। रिंग गियर बैठने के बाद फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे साउंड गियर, नहीं साउंड गियर लगाएंगे। उसके बाद उसका चारों तरफ से हम लोग नट बोल्ट यूज करेंगे। ऐसा सॉरी क्या लगाएंगे, एनामल ट्यूब लगाएंगे। देखिए ये साउंड गियर लगा रहे अभी हमारा मैकेनिक ने। इसमें हम लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगा रहा है। तो मैं नीचे उनको से बोला घुमा दे भाई थोड़ा लगा हल्का दो थोड़ा बहुत, नीचे लेकिन से, उन्होंने बोला ठीक है हम लोग लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग भी घूमेगा इसको क्या, ड्राइव में घूमेगा नहीं ले रहे, इसके लिए इसको नहीं हाँ लगा रहे घुमा और इसको घुमा के चेक कर रहे, क्योंकि वो मेन शाफ्ट है, थोड़ा टाइट हाँ घूमेगा। एक बार दो बार घूमने के बाद बराबर हो जाता है। देखिए वो घूम रहा भी हमारा बराबर सन गियर। अभी आप बराबर नेक्स्ट स्टेप भी हम लोग लगा दिया है रिंग गियर। ये देखिए ये जो साउंड गियर के ऊपर, साउंड गियर के ऊपर अभी प्लानिटरी गियर बैठेगा, प्लानिटरी के साथ फिर वो रिंग गियर है। बिठाओ फिर अभी देखो, और दोनों ये भी हमारा बैठ चुका है। नेक्स्ट जो सेपरेट पार्ट था वो भी बिठा दिया है। उसके बाद ये भी इसका हुआ हानामन ट्यूब लगा के हम लोग इसको भी बिठा रहे हैं। और यहाँ पे जो एक दिया है डम्मी बूस्ट दिया है, वो सुनो बूस्ट को मैच करने का, मैच करने से क्या होता है कि हमारा जो जो नॉट बोल्ट का हम जाएगा एक जाएगा क्यों नहीं मैच करना जाएगा, पड़ता है, उसमें एक जो करना ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसके जगह में हर चीज़ आ जाता है। देखिए वो बोल अभी ऑटोमेटिकली आ बोल चुका है। बोल उसके बाद यहाँ पे बोल 8 mm का, सॉरी 10 mm का एल एन उसको टी है, साफ नहीं किया रे बराबर, 10 mm का एल एन टी को ये वो दिख पूरा दिख दिख लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए उसमें थोड़ा बहुत तो ये जो डीजल में धोया था या सफाई किया था उसमें से थोड़ा थोड़ा मेरे को ये लगा। इसके लिए उसको कपड़ा में साफ करने के लिए उनको बोला। और जितना 8 10 mm उसको का थोड़ा घुमा मतलब दो एल एन की लगेगा 8 mm का, लेकिन उसका नीचे से जो घुमा बोर्ड का जाएगा साइज ट्राई है कर, 10 mm का, वो हमको लगाना है थोड़ा और चारों थोड़ा तरफ से अच्छा से लगाना है। हाँ देखिए बस हमारा थोड़ा बहुत तो प्लानिटरी हो गया गियर भैया, और रिंग थोड़ा गियर थोड़ा के साथ घुमाओ कैसे थोड़ा घूम रहा है। मैं नेक्स्ट अच्छा लगता है घुमाएगा वीडियो में जो बताया था कि प्लानिटरी गियर और रिंग गियर का काम क्या है, प्लानिटरी गियर को मतलब एक बैलेंस से घूम मूविंग के लिए रिंग गियर उसको सिर्फ सपोर्ट देता है। फास्ट हमारा साउंड गियर घूमेगा, उसको लगा साउंड गियर थोड़ा ने क्या प्लानिटरी गियर को, प्लानिटरी गियर को बैलेंस देने के लिए ये हमारा है कौन सा रिंग गियर। हमारा ये मुर्गे चितरंजन सनाना जी पूरा है, यूट्यूब में छा जाएंगे। हमारा गांव वाला भी है, मतलब गांव के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग सब एक टीम का है यहाँ पे। हम लोग तमिलनाडु में पूरा उड़ीसा का ज़्यादा मुर्गे बंदा है, सनाना हर एक ये कौन आदमी सा गियर बॉक्स है, अच्छा से काम करते हैं, ऐसा कोई कौन कंप्लेन सा नहीं है। गियर ऐसा बॉक्स है, उड़ीसा का आग नहीं पे है, नहीं हर एक स्टेट का नाम है। क्या है गियर बॉक्स का, यहाँ पे सब लोग एक इम्यूनिटी प्लानिटरी के हिसाब से है, कोई किसका प्रॉब्लम होता था सब सबको हेल्प करता है, काम पे भी मदद करता है। ऐसा कुछ नहीं कि मेरा ये काम नहीं है वो मेरा काम नहीं, हर एक चीज़ को हम अच्छे से हर लोग मिल के काम करेंगे। तो कितना भी मेहनत का काम होने दो, एक आसानी काम से काम हो जाता है।
लेकिन हर एक आदमी को मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है, जो टीम वर्क बोला जाता है। ऐसा हमारा एक अच्छा टीम है फ्लीट का यहाँ पे। देखिए हर एक नॉट बोल्ट हम लोग एलिंग की बोल्ट हम लोग लगा दे रहे। लगाने के बाद फिर नेक्स्ट वो मैंने उनको बोला था भाई ऑयल यूज कर दो बोल के, तो उन्होंने अभी ऑयल यूज करना चालू किया। अभी देखो हम लोग यहाँ से ऑयल यूज किया डाला, लेकिन ज़्यादा थोड़ा भी डाल दिया तो जो डाउन साइड से पूरा ऑयल निकल जाता है। इसके लिए हम लोग देखिए ये एक सन गियर के ऊपर फिर घुमा और एक प्लानिटरी गियर बैठ रहा है, बैठा नहीं है। देखिए प्लानिटरी गियर को अच्छा से बिठाना गया, ये गियर अच्छे से बैठा कि नहीं उसको थोड़ा घुमा के देखना है, ये बराबर घूम रहा है कि नहीं। देखिए मस्त घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है इसका जो गियर का मूविंग है। आपको कैसा लग रहा है देखिए सब? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका गियर का मूविंग। आप लोग को कैसा लग रहा है? कोई भी मैकेनिकल का काम होता है तो हर एक काम को एक ध्यान से करने का है। आउटसाइड माइंड रखेंगे तो कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है। इसके लिए हमको कोई भी काम करते हैं दिल से काम करेंगे, ये मेन सब्ट आएगा उसके ऊपर और इसका कवर के साथ आएगा। मैं ऐसा लगा कि उसको चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बेरिंग भी लगा दिया है, जो आपको बेरिंग नंबर में बताया था 6011 का बेरिंग है, और ऑयल सील जो बताया था 55557510 ये है। ये ड्राइव साइड में रहता है, अभी ड्राइव साइड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारा गियर बॉक्स अभी 90% कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो पार्ट है हम उसको पेंडिंग रखा है, वो अभी हम लोग लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा गियर बॉक्स असेंबली काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अभी गियर बॉक्स भी लग चुका है, अभी हम लोग ऑयल सील इसको बिठा रहे हैं। हर एक नॉट बोल्ट को मैंने लगा दिया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है बोल के, मैंने पहले टाइट करा के ले लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो मैं बैठा हूँ, ग्रीन वाला जो टी शर्ट है मैं हूँ, ठीक है। और देखिए ऑयल सील को आराम से आपको हर तरफ से धीरे धीरे करके बिठाना है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से पूरा बैठा देना है, चारों तरफ से बिठाएंगे तो आराम से बैठेगा, नहीं तो उसका क्या जो साइड का कलर है वो डैमेज होता है। डैमेज होने के बाद आप कितना भी मेहनत किए है वो पूरा फालतू में चला जाता है, क्योंकि वो ऑयल लीकेज होता है। एक आप अच्छा से काम करेंगे, अच्छा से काम करने के बावजूद भी ऑयल लीकेज हुआ तो काम का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए हमारा प्लानिटरी गियर बॉक्स असेंबली काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी टॉप ऑयल से लगाएंगे, टॉप ऑयल सील को हम उल्टा लगाते हैं क्योंकि वो डस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। बाहर का जो डस्ट है अंदर नहीं जाना चाहिए, और टॉप का ऑयल सील कट जाता है तो हमारा डस्ट अंदर चला जाएगा, फिर हमारा ऑयल को भी ख़राब करेगा। हर एक गियर के बीच में आके गियर को भी डैमेज कर सकता है। देखिए ऑयल गैस कर रहा था बोल के उसको मैंने गैस लगा दिया हूँ, जो ऑयल लेवल इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं। मुर्गेशन जी बहुत एक्सपीरियंस है भाई और अच्छा आदमी भी है। देखिए हमारा गियर बॉक्स अभी कंप्लीट हो चुका है, प्लानिटरी गियर बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ब्रो।